दोस्तों आज हम करने वाले हैं Xiaomi Mi A1 का कैमरा टेस्ट, जो बैक में डुअल कैमरा आते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं और जो फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का वो कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ Xiaomi Mi A1 के फ्रंट कैमरा से, जो कि है 5 मेगापिक्सल का। तो ये आर्टिफिशियल लाइट में आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो चलते हैं, आपको कुछ शॉट लेते हैं बैक कैमरा से, पोर्ट्रेट मोड में, नॉर्मल मोड से, और आपका वीडियो कुछ आपको सैंपल्स दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका जो कैमरा है वो कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को याद से क्लिक करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन की सेटिंग्स के बारे में कि कैमरे में आपको क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कुछ सैंपल शॉट्स जो मैंने क्लिक किए हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं ऑन वाटरमार्क को Mi A1 का, और इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे जो आपकी अलग अलग कंडीशंस में यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे अगर जूम की बात करें तो जूम जो है ऑप्टिकल जूम है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। जो लॉसलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम मिली गई है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये वीडियो के लिए काम नहीं करता है, तो ये एक यहाँ पर कॉन है। यहाँ पे अगर बात करें वीडियो क्वालिटी की तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मिलती है। 1080p पे मैंने रिकॉर्ड किया, यानी फुल HD में। और यहाँ पे अगर फोकस की बात करें तो फोकस काफ़ी फास्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा पास ला देते हैं तो फोकस करने में थोड़ा यहाँ पे टाइम लग जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इस प्लांट पे फोकस कर रहा हूँ और ये जो है हल्का हल्का फोकस हो रहा है, फिर यहाँ पे अब देख लिया फोकस हो गया है, फोकस को इसने लॉक कर लिया है। और पीछे का बैकग्राउंड आप देखते हैं कितना अच्छी तरीके से ब्लर्ड हो गया है। तो कैमरा कमाल का है, इसमें आपको बहुत अच्छा कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल्स की बात करें तो ये यहाँ पे मैंने फोकस किया है प्लांट पे, तो पीछे का जो एरिया है वो ब्लर्ड आउट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी आपको क्लैरिटी मिलती है। ये सेम कंडीशन में यहाँ पे मैंने 2x ऑप्टिकल जूम का सहारा लिया हुआ है, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना पास आ गया है। और यहाँ पे जो अगली फोटो है ये मैं क्लिक कर रहा हूँ इंडोर लाइटिंग में, तो आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है इसमें आपको। और यहाँ पे टेक्स्ट अगर जूम करेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाता है। ये फोटो मैंने आउटडोर कंडीशन में ली है, ये भी आउटडोर कंडीशन की, तो पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लर्ड है डुअल कैमरा इफेक्ट के साथ में। ये फोटो मैंने क्लिक किया है 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ में Xiaomi Mi A1 के साथ में, तो ये आप देख सकते हैं डे लाइट कंडीशन में है, तो काफ़ी अच्छी जो है फोटो आई है। ये फोटो आप देख सकते हैं हल्का सनलाइट में ली गई है, जब शाम हो रही थी तब, तो हल्का सा आपको रेडनेस जो है वो फोटो में देखने को मिल जाएगी। और ये फोटो जो ली गई है सेम कंडीशन में ली गई है जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोकस है वो प्लांट पे, पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर्ड हो गया है। और ये कंडीशन जो है इसमें मैंने 2x ऑप्टिकल जूम का सहारा लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है ब्लर्ड हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा जो आपकी नॉर्मल फ़ोटो है, यहाँ पे सिंगल कैमरे से मैंने ली है। और यहाँ पे जो आगे फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें मैंने डुअल कैमरे यानी पोर्ट्रेट मोड में ये फ़ोटो ली है, तो आप देखते हैं एक पत्ती पे मैंने फोकस किया और काफ़ी अच्छे से इसमें फोकस लॉक कर दिया है। और ये आप देखते हैं ये सिंगल कैमरे से है, तो इसको आप देख सकते हैं कैसे आपका जो बैकग्राउंड है ब्लर्ड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें बैकग्राउंड जो है ब्लर्ड हो गया है, ये पोर्ट्रेट मोड में ली गई है डुअल कैमरे को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे अगर अगली बात करें तो ये फ़ोटो मैंने कैप्चर की है शाम के लगभग 6 बज रहे थे, और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको कैप्चर किया है। और यहाँ पे जो अगली फ़ोटो है ये मैंने उसी फ़ोटो सेम कंडीशन में ली है, और यहाँ पे 2x ऑप्टिकल जूम का सहारा लिया, तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना पास आ गया है। और ये मेरे HRX बैंड की है, तो ये आप देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर्ड हो गया है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये इंडोर कंडीशन में ली गई, तो कुछ इस तरह से आपको फोटोज़ इस फ़ोन में मिल जाती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको Xiaomi Mi A1 के कैमराज का रिव्यू जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल बटन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।